बोल दी क्वेश्चन बोल दी। आपने आपको एल सी से एक लेजर बनाएगी कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट अंडर में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, एंटर करके सेव कर दें। एक आप यहाँ पे बनाएगी बैंक लोन, बैंक लोन अंडर में आ जाएगा लोन लायबिलिटी, एंटर करके सेव। अब आप एस्टेप से भेज जाइए, एस्टेप की का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे और टैली पे नहीं पहुंचा। वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसीव वाउचर, तुम्हें आ जाएगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट 10 लाख। फिर आप ऐसे यहाँ पे टू करते टू में आप लिखेंगे बैंक लोन, आठ है हमने पांच सुना इसलिए पानी बाय में आ जाएगा। यस अभी यहाँ से सेटिंग ऑफ कर दी थी पिछली क्लास में, अपन उसको अभी यहाँ पे ऑन कर दो। आप देखें अभी इसके नीचे आपको करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा, यहाँ पे करंट बैलेंस शो होता है। आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो लेजर करंट बैलेंस, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे, आपको यहाँ पे करंट बैलेंस शो होने लगेगा। इस टाइप से शो होता है आपको यहाँ पे टोटल बैलेंस में कैसे आ रहा है 18 लाख। अभी ये शो नहीं हो रहा क्योंकि F12 पे आपको येलो ऑप्शन नो था, आपको यहाँ पे शो हो रहा शो लेजर करंट बैलेंस, ये ऑप्शन नो करेंगे करंट बैलेंस शो नहीं होगा। ऐसे आप यस कर देंगे तो वो शो हो जाए। ये क्रेडिट है ये डेबिट है, बाय मतलब होता है डेबिट, अभी हमने आपको बताया था बाय मतलब होता है डेबिट, टू मतलब होता है क्रेडिट। एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो आप माल खरीद रहे हैं तो एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर, यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। आप टू में आ जाएगा केस, नगद माल है तो टू में आप लिखेंगे केस, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 95,000 में पहले आपको फ्रेट डिस्काउंट मिला मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 तो अमाउंट आ जाएगा 4,750। आप 95,000 में माइनस कर देंगे 4,750 तो अमाउंट आएगा 90,250। आप इस पर आपको केस डिस्काउंट में मिला कितना मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100 अमाउंट आ जाएगा 2,760। अब आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे। अभी आप देखना यहाँ पर पॉइंट की बात 5 लिखा तो आप इसे राउंड अप करके यहाँ तो 1 में कन्वर्ट कर ली, यहाँ पे लिख लीजिए 0.5। अपन इसको यहाँ पे 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी होती है तो 1 में राउंड अप होगी 1 में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब 7,000 पे क्या हो जाएगा 8। आपने यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख दी। हाँ आप 0.5 लेंगे तब भी सेम रहेगा, राउंड अप करके 1 में कन्वर्ट कर देंगे तब भी सेम रहेगा। अमाउंट आ जाएगा 87,540। अब आप केस के सामने कितना लिखेंगे दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और बाय में आ जाएगा परचेज, अल्टा प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर में आएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके से इसमें आप अमाउंट लिखेंगे रेट डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना 90,250 और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लें डिस्काउंट अकाउंट, ये परचेज वाला है अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, इसमें अमाउंट आ जाएगा 2,708, एंटर करके सेव कर दें। नेक्स्ट बोलो माल बेच रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे F8 से सेल वाउचर, यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, नजर माल है तो बाय में आ जाएगा केस, कंट्रोल प्लस एन करते हैं अमाउंट कितना था 85,000 केस है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड 100 अमाउंट आएगा 3,400। आप 85,000 में से माइनस कर देंगे 3,400,
अमाउंट आएगा 81,600, आप केस के सामने लिखेंगे 81,600 और टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेगा बना लें, सेल्स अकाउंट अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव, इसमें अमाउंट आएगा आपका पूरा 85,000 और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेते हैं, ये डिस्काउंट सेल्स वाला हो अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,400, एंटर करके सेव। नेक्स्ट वन अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ये संपत्ति है, नगद खरीदने एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर, बाय में आ जाएगा फर्नीचर, अल्टा प्लस सी से फर्नीचर को लेगा बना लेंगे, फर्नीचर अकाउंट अंडर में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, एंटर करके सेव, अमाउंट कितना और टू में आ जाएगा केस, एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट टू केस अकाउंट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो इसी एंट्री आप करेंगे F6 से रिसीव वाउचर, टू में आ जाएगा कमीशन, अल्टा प्लस सी से कमीशन का लेजर बना देते हैं, कमीशन अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये अकाउंट को मिल रहा है तो इनकम, एंटर करके सेव कर देंगे अमाउंट, और बाय में आ जाएगा केस, एंट्री हो जाएगी टू कमीशन अकाउंट बाय केस अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो वेतन और मजदूरी का भुगतान करना है, मतलब पेमेंट, एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर, बाय में आ जाएगा एक्सपेंसेस का नाम, अल्टा प्लस सी से वेजेस और सैलरी का लेजर बना, वेजेस अकाउंट ये अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर, आप इसे यहाँ पे बाय करेंगे फिर आप यहाँ पे बाय करेंगे अल्टा प्लस सी से आप यहाँ पे सैलरी का लेजर बना लें, सैलरी अकाउंट ये अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 15,000। अब आप टू में लिखेंगे बैंक, क्योंकि इसका पेमेंट अपन कैसे कर रहे हैं, चेक द्वारा कर, मतलब अमाउंट कहाँ से करना होगा बैंक में, अल्टा प्लस सी से बैंक का लेजर बना, बैंक अकाउंट अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव, इसमें अमाउंट आ जाएगा 25,000, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो इसकी एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में, माल बेचा यहाँ पे आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, माल बेचा भुगतान में चेक मिला तो बाय में क्या लिखेंगे चेक इन हैंड, अल्टा प्लस सी से आप यहाँ पे चेक इन हैंड का लेजर बना लेंगे, चेक इन हैंड अंडर में आ जाएगा केस इन हैंड, एंटर करके सेव, अमाउंट कितना और टू में आ जाएगा सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो अभी अपन ने माल बेचा था भुगतान में आपको चेक मिला तो आपने एंट्री क्या की थी बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अब ये चेक आप नेक्स्ट डे बैंक में जमा करेंगे तब आप एंट्री किसमें करेंगे F4 से काउंटर वाउचर, टू में आ जाएगा चेक इन हैंड पूरा जमा कर 55,000 और बाय में आ जाएगा बैंक, बैंक कौन है पाने वाला,